नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रोगाणु जनित संक्रामक रोग के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक वक्तव्य में कहा है कि 75% संक्रामक रोग पशुजन्य यानी जूनोटिक हैं। इन रोगों की उत्पत्ति का कारण जैव विविधता का क्षरण है। अब जान लेते हैं रोगाणु जनित संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीव रोगाणु या जैविक एजेंट हैं, जो मेजबान मानव में संक्रामक रोगों या बीमारियों का कारण बनते हैं। रोगजनकों से होने वाले कुछ संक्रमण मामूली जबकि कुछ जानलेवा होते हैं। घातक इबोला वायरस रोग या कोरोना वायरस संक्रमण जानलेवा है, जबकि सामान्य सर्दी एक मामूली वायरस संक्रमण है। अब जान लेते हैं रोगजनक सूक्ष्म जीवों के बारे में। रोगजनक सूक्ष्म जीव मानव शरीर पर आक्रमण करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस शामिल हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। अब जान लेते हैं रोगजनक सूक्ष्म जीव और उनके कारण होने वाले रोग और उपचार की तकनीकों के बारे में। जान लेते हैं वायरस के बारे में। वायरस सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है। वायरस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बने होते हैं, जो प्रोटीन की कोटिंग द्वारा संरक्षित होते हैं। वायरस मेजबान कोशिकाओं पर आक्रमण करके मेजबान कोशिका का उपयोग प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन बनाने के लिए करता है। ये वायरस अधिक से अधिक मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर संक्रमित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं। वायरस जनित रोग एचआईवी, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19 आदि हैं। इनका उपचार, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नए और बेहतर उपचार और टीके हैं। अब जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले सूक्ष्म रोगजनक हैं। इनका आकार छड़ यानी रॉड्स, सर्पिला यानी स्पाइरल्स या गोले यानी स्फेयर्स के समान होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर वायरस से बड़े होते हैं और इनमें डीएनए युक्त एक नाभिक होता है। बैक्टीरिया किसी भी वातावरण में रह सकते हैं। ये मेजबान शरीर में प्रवेश करने के बाद तेजी से प्रजनन करते हैं। ये मेजबान के शरीर में विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जो बीमारी पैदा करके उत्तकों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक नहीं होते हैं और शरीर के आवश्यक कार्यों में सहयोग करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग, एस्चेरिचिया कोलाई रक्त सहित दस्त यानी ब्लडी डायरिया है। इनका उपचार एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब जान लेते हैं कवक के बारे में। कवक एकल या बहु कोशिका वाले जीव हैं, जो मेजबान शरीर के बाहर जीवित रह सकते हैं। इनकी कोशिका में नाभिक होता है। यह नाभिक मोटी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के भीतर संलग्न कोशिकीय घटकों के साथ होता है। फंगल रोग विभिन्न प्रकार के कवकों के कारण होते हैं, जो आमतौर पर पर्यावरण में पाए जाते हैं। फंगल रोग मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। फंगल संक्रमण कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों में होता है, जैसे कैंसर, अंग प्रत्यारोपण या एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों में। फंगल रोग त्वचा, बाल और नाखून रोग, एथलीट फुट, खुजली, दाद, फेफड़ों की बीमारी है। इसका उपचार एंटीफंगल दवाएं होती हैं। अब जान लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ परजीवी एकल कोशिका वाले जीव हैं। जब ये मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो परजीवी के रूप में निर्भर रहते हैं। ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियां होती हैं। इससे होने वाला रोग प्लास्मोडियम प्रजाति मलेरिया,
एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, एमीबिक डाइसेंट्री, एमोबिक लीवर एब्सेस होते हैं। इसका उपचार डायग्नोस्टिक प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमणों के नियंत्रण के लिए बेहतर चिकित्सीय उपायों की पहचान करना और वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रोगजनक सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस शामिल हैं। दूसरा, वायरस जनित रोग HIV, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, COVID-19 आदि हैं। तीसरा, फंगल रोग विभिन्न प्रकार के कवकों के कारण होते हैं जो आमतौर पर पर्यावरण में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या फिर डी एक दो और तीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।